शनिवार को दोपहर में धुलिया में पुलिस ने एक चोरी की कार समेत उसमें चुरा कर ले जाया जा रही दो बकरियां जब्त कर ली। दो बदमाशों को बकरियां चुरा कर उन्हें अपनी कार में घुसेटे हुए कुछ लोगों ने देख लिया था। कार जैसे आगे बढ़ने लगी तो लोगों ने उसका पीछा किया। इसी चक्कर में कार दो मोटरसाइकिलों से टकरा गई जिसमें एक युवक घायल हो गया। भीड़ और कार का पीछा करने वाले लोगों को करीब आते देख बदमाश कार से उतरे और भाग गए। सूचना के आधार पर पहुंची चालीसगांव रोड पुलिस ने कार और बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया। सब इंस्पेक्टर योगेश टिकाने के अनुसार कार भी चोरी की ही लग रही है। आने वाले समय में बकरी के चलते बकरियां और मवेशियां चोर सक्रिय हो गए। एक्सप्रेस वन न्यूज़ के लिए धुलिया से अब्दुल रहमान मलिक की रिपोर्ट। पोलीस स्टेशन लास्ट त्यांना आम्हाला माहिती भेटली की लोकमान्य हॉस्पिटलजवळ एक फोर व्हीलर गाडी जिचा नंबर MH15EN5501 या गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला आहे। त्यावरून आम्ही लागलीचं लोकमान्य हॉस्पिटलला आलो। लोकमान्य हॉस्पिटलला पाहिलं असतं ती गाडीचे काच फुटलेली होती आणि त्या गाडीची तपासणी केली असतं। तिच्यामध्ये दोन बकऱ्या मिळून आल्या। त्या बकऱ्या कोणाच्या आहे, परत ती गाडीची नंबर प्लेट जी आहे ती नंबर प्लेट पण ओरिजिनल आहे का नाही याचा तपास करीत आहोत। पुढचा तपास करीत आहोत। सर आपलं नाव काय? सर योगेश डिके।